हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेड एक्ने मार्क्स के बारे में। ये रेड एक्ने मार्क्स क्या होते हैं, वो क्यों होते हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सो बेसिकली जब हमें एक्ने होते हैं तो एक्ने के बाद बहुत बार हमारे फेस पे मार्क्स छूट जाते हैं। ये मार्क्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो कलर्ड हो सकते हैं, जैसे रेड हो सकते हैं, या लाइट कलर्ड व्हाइटिश हो सकते हैं, या डार्क हो सकते हैं। इनको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी इरिदमा या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, मतलब व्हाइटिश या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। जब एक्ने हमारे फेस पे होता है तो हमारे फेस पे बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है, और अगर हम उसको ब्रेक कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं पिंपल्स को, तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ भी सकता है। उस केसेस में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो स्किन में ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, और बहुत बार ये ब्लड वेसल्स डैमेज भी हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तब उधर हमारा स्किन रेड होने लगता है, वो एक्ने वाले एरिया में। इस कंडीशन को फिर हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, मतलब इन्फ्लेमेशन स्किन में जो हुआ है उसके बाद का इरिदमा, मतलब रेडनेस कहते हैं। ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी इरिदमा आपको कलर से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, मतलब डार्क या लाइट कलर जो हाइपोपिगमेंटेशन होता है उससे डिफ्रेंशिएट करता है। जो बाकी के एक्ने के स्कार्स होते हैं, जैसे एट्रोफिक एक्ने स्कार्स जिसमें हम खड्डे बोलते हैं, वो और ये पिगमेंटेड एक्ने स्कार्स, मतलब कलर्ड एक्ने स्कार्स अलग होते हैं और उनके ट्रीटमेंट्स भी अलग होते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो कलर्ड एक्ने, रेड एक्ने मार्क्स होते हैं, उनको ट्रीट कैसे करना है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपको घर में क्या करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे आपको टॉपिकली मेडिसिन क्या लगा सकते हैं, और थर्ड इन क्लिनिक प्रोसीजर्स हम डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट है घर में आप क्या कर सकते हो। सो घर में आपको, अगर आपको बहुत एक्ने है या एक्ने रेड मार्क्स है, तो जेंटल क्लींजर यूज करना है, बहुत माइल्ड क्लींजर यूज करना है, क्योंकि जो हार्श क्लींजर्स होते हैं या सोप्स होते हैं वो स्किन को और ज्यादा इरिटेट कर सकते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। इन्फ्लेमेशन जब स्किन में होता है, ये रेड मार्क्स होते हैं, तो या एक्ने में भी स्किन थोड़ा ड्राई होने लगता है, और ड्राई होने की वजह से रिएक्टिवली और ज्यादा ऑयल सिक्रीशन हो सकता है, जिससे एक्ने और बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रॉपर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है अगर आपको आपकी स्किन की क्वालिटी मेंटेन करनी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है सनस्क्रीन यूज करना। सनस्क्रीन, हमारा जब स्किन इन्फ्लेम्ड होता है तो अगर उसको सन एक्सपोजर ज्यादा हो जाए तो ये पिगमेंटेशन होने का चांस बढ़ता है, इसलिए इस केसेस में सनस्क्रीन भी बहुत जरूरी होता है। सो नॉन क्लॉगिंग सनस्क्रीन जो होते हैं, जो पोर को क्लॉग नहीं करते, वो यूज करना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है माइल्ड एक्सफोलिएटर्स अगर आप यूज करें तो सुपरफिशियल स्किन में जो डेड सेल्स है वो रिमूव करने के लिए हेल्प होता है। सो वीक में एक या मैक्सिमम दो बार एक्सफोलिएट आप कर सकते हो, जेंटल केमिकल एक्सफोलिएंट से या एकदम जेंटल माइल्ड एक्सफोलिएंट से भी। हम जो देखेंगे वो है टॉपिकल ट्रीटमेंट्स। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। रेड एक्ने मार्क्स को ट्रीट करने के लिए आप टॉपिकली जो क्रीम लगाते हो उसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स है जो स्पेसिफिकली रेड एक्ने मार्क्स को हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट है एजिलिक एसिड, सेकंड है नियासिनामाइड, थर्ड है विटामिन सी, और फोर्थ है रेटिनॉइड्स। सो एजिलिक एसिड जो होता है वो एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, पिगमेंटेशन को भी कम करता है और हेल्प करता है आपके स्किन के सेल टर्नओवर को थोड़ा बढ़ाने के लिए, ताकि सुपरफिशियल लेयर्स जो है स्किन के जिसमें पिगमेंटेशन आ गया है या रेडनेस आ गया है वो थोड़ा कम हो जाए। जो नेक्स्ट है वो मैंने बताया था नियासिनामाइड। नियासिनामाइड में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे होते हैं। ये जो स्किन में इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर देता है, ब्लड वेसल जो इंक्रीज हुआ है उनको कम कर देता है। स्किन का जो बैरियर होता है, जो स्किन को सुपरफिशियल प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसको भी ये रेगुलेट कर देता है, और ऑयल सिक्रीशन जो हो रहे अपने स्किन में ऑयल ग्लैंड से, उसको भी नियासिनामाइड कंट्रोल में लाता है। थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट होता है। जो इन्फ्लेमेशन हुआ है स्किन में उसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बहुत रिलीज हुए होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाते हैं। विटामिन सी उसको कंट्रोल में लाता है, नया स्किन टिश्यू क्रिएट करने में, नया कोलेजन करने में हेल्प करता है विटामिन सी, और पिगमेंटेशन अगर थोड़ा बहुत है तो वो भी कंट्रोल करने में विटामिन सी हेल्प करता है। फोर्थ है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉल कंटेनिंग क्रीम्स जो होती है वो हेल्प करते हैं कि आपका जो सुपरफिशियल सेल है उसका सेल टर्नओवर बढ़ा के इन डेड सेल्स को रिमूव कर दे, ऑयल सिक्रीशन कम कर देता है, और पिगमेंटेशन को ये भी रिड्यूस करता है। तो ये चार चीजें जिन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हो वो अगर आप यूज करें तो आपका रेड एक्ने मार्क्स कम होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है, अगर ये सब करने से भी आपको अगर रेड एक्ने मार्क्स कम नहीं हो रहे तो आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट्स ले सकते हो। अलग अलग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है, जो दो मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं रेड एक्ने मार्क्स के लिए।
फर्स्ट होता है केमिकल पील्स और सेकेंड होता है लेजर्स। केमिकल पील्स बेसिकली सेल के टर्नओवर को इंक्रीज करता है, ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस करता है और जो इन्फ्लेमेशन उधर होता है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो होते हैं वो लेजर्स होते हैं। लेजर्स जो होते हैं हम जो रेड एक्नी मार्क्स में यूज करते हैं वो बेसिकली जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको रिड्यूस करता है, उधर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, ब्लड वेसल डायलेट हुए होते हैं उनको टारगेट करके वो रिड्यूस कर देता है। सो इस केस में पल्स डायलेजर होता है या IPL होता है, इंटेंस पल्स लाइट डिवाइसेस, या इंडिया लेजर्स होते हैं लॉन्ग पल्स वाले, वो हेल्प करते हैं हमें रेडनेस कम करने के लिए। सो ये रेडनेस कम हो जब हो जाता है इन लेजर्स के हेल्प से तब इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आता है और आगे जाके जो डिप्रेस्ड स्कार होते हैं, जो एट्रोफिक एक्ने स्कार होते हैं वो उसमें कन्वर्ट होने का चांस कम हो जाता है। आई होप ये ट्रीटमेंट्स आपको समझे हो और ये आपको हेल्प करेंगे। अभी हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे आगे जाके ये रेड एक्नी मार्क्स ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक जितना जल्दी हो सके उतना आपके एक्नी को ट्रीट करना है, खुद से वो कम हो जाएंगे या घरेलू नुस्खे यूज करके उसको कम करने का ट्राई, ज्यादा दिन नहीं करना है, ज्यादा दिन उसमें वेस्ट नहीं करना है। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ने से रिड्यूस होगा और उसकी वजह से जो बाद में जाके खड्डे हो जाते हैं उसका होने का प्रिवेंट करेगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, खुद के हाथ से पिंपल्स को पॉप करना अवॉइड करना है। जब आप खुद के हाथ से पिंपल को पॉप करने का ट्राई करोगे तो वो अंदर के अंदर फूट जाते हैं, अंदर जब फूट जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और उसकी वजह से रेड मार्क्स आने का चांस बहुत बढ़ता है। तो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लो, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनका एडवाइस ले लो, डिपेंडिंग आपका सीवियरिटी क्या है एक्ने का उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन वो डिसाइड करेंगे और आपको आगे जाके स्कार्स होने का जो चांस होता है वो रिड्यूस होगा उसकी वजह से। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको हेल्प किया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।